brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. दिसंबर महीना में आपने हमसे मिलके कहा कि हम आरक्षण लागू करते हैं, और जब आरक्षण लागू करने की बात हुआ, सब चीज हो गया, आपने क्या किया? नीतीश कुमार जी को पलटा लिया, मल्ला के बेटा को आपने छोड़ दिया, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे, आपने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। आप बताइए कि हम आपका गुलाम क्यों बन जाए? हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि मैंने अपना बयान पे मैं एकदम ही कायम हूँ। हाँ, मेरे बयान से अगर किसी को आहत हुआ होगा, क्योंकि मेरा भी प्रधानमंत्री है, मैं अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूँ, मेरे बात से अगर किसी को आहत हुआ होगा तो मैं खेद प्रकट करता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया जो उनको तकलीफ होगा। मैंने ये कहा कि जब हमारे वीपी सिंह की सरकार थी, जो मंडल आयोग जो लागू कमीशन लागू हुआ था, जो उसमें खास करके पिछड़ा अति पिछड़ा ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ, जिसमें अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने आए और झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सारे अटका के रखा है। मेरा कहना ये था कि भारतीय जनता पार्टी या गृह मंत्री जी किसी के हाथ में मेहंदी नहीं लगा था, आपके पास भी कुर्सी था, और 30-32 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके पास 16-26-27-17-18 साल आपके पास पावर था, 10 साल मोदी जी का, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था, टोटल 17-18 साल आपके पास सरकार था। आपने क्यों नहीं मंडल कमीशन का 40 पॉइंट जो था सिफारिश, 40 का 40 पॉइंट क्यों नहीं आपने लागू किया? और 2 पॉइंट अगर लागू हुआ, या 27% आरक्षण हो, या पढ़ाई में एजुकेशन में 27% आरक्षण 2007 में कांग्रेस पार्टी ने ही किया है, 93 में भी जो ओबीसी का आरक्षण 27% कांग्रेस पार्टी ने किया, आपने बीपी सिंह का सरकार आपने गिरा दिया था 11 महीने में, मंडल बनाम कमंडल आपने निकाला था, आप तो हमेशा विरोध किए हैं, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी का हो या मंडल आयोग का हो, सिफारिश हमेशा आपने विरोध किया, और आपके पास भी लंबा समय था। अगर आप चाहते थे ओबीसी एससी एसटी का अगर कल्याण करने का, तो आपको काम करना चाहिए था, उसमें भी मछुआरा का भी सिफारिश है 37 नंबर पे, 40 पॉइंट में से 37वां पॉइंट पे मछुआरा का भी आरक्षण के लिए था कि एससी एसटी में मछुआरा को शामिल किया जाए, तो ये आपने नहीं किया। बिहार के लोगों को झूठ बोल रहे हैं, आके अलग अलग बात कर रहे हैं, आप मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान मुकेश सहनी क्या खाएंगे उस पर जिक्र कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आपने ये किया। आपने बताइए कि आपने दिसंबर महीना में आपने हमसे मिलके कहा कि हम आरक्षण लागू करते हैं, और जब आरक्षण लागू करने की बात हुआ, सब चीज़ हो गया, आपने क्या किया? नीतीश कुमार जी को पलटा लिया, और मल्ला के बेटा को आपने छोड़ दिया। तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम क्या गुनाह कर रहे हैं? हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। आप बताइए कि हम आपका गुलाम क्यों बन जाए? हम अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने गृह मंत्री जी आए बोलते जातिवाद हम खत्म करेंगे, मैरिट पे राजनीति होगा, तो क्या आप चाहते हैं कि एससी एसटी का ओबीसी का तमाम लोगों का आरक्षण आप खत्म करना चाहते हैं? तो इसलिए आप सारे चीज़ें आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप किसके साथ हैं। और रहा कि आप बताइए, मेरे बयान से हो सकता किसी को तकलीफ होगा, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, भाई ये लोकतंत्र है। आप बताइए कि हमको वाई प्लस का सुरक्षा मुहैया हुआ था, और ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया, और वाई प्लस सुरक्षा जो होता है वो एक प्रक्रिया से मिलता है, और एक प्रक्रिया से उसको ख़त्म किया जाता। हम यहाँ पे कुछ बयान दिए जिसको तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा, या वो तोड़ मरोड़ के वो सुने, जिससे उनको बुरा लगा। अब बुरा लगने से हमारे सुरक्षा से आपको क्या संबंध है? आप हमसे लड़ाई लड़ते हैं, हम उस पर आपको बात करते कि हमने क्या कहा और आपने क्यों सुना। आप बताइए कि मैं यहाँ से हेलीकॉप्टर से उड़ा और मैं सिवान गया, और सिवान से उड़कर मैं जैसे सीतामढ़ी पहुंचा, ऊपर में ही था, और उतने देर में हमारा सुरक्षा गायब हो गया। जो लोग हमारे सुरक्षा कर भी गए, तो वो बोले कि आपका सुरक्षा विड्रॉल हो गया, और जबकि अभी तक ऑथराइज कोई भी लेटर हमारे पास नहीं आया, सिर्फ एक बयान को लेकर आप सुरक्षा वापस कर ले रहे हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि मुकेश सहनी को मरवा दे, तो आप दे दीजिए फांसी का सजा मुझे। अगर मैं अपने जात के हक अधिकार के लिए, मछुआरा के लिए, मल्ला के लिए अगर लड़ाई लड़ना मेरा अगर गुनाह है, तो मैं कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय, सब आप ही का है, आप मुकेश सहनी को कल फांसी पर लटका दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पहले भी कहा, एक सीट को लेकर भाजपा के साथ राजनीति करना, इससे अच्छा मैं जहर खाया जल लूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन भाजपा के साथ राजनीति नहीं करूंगा। हाँ, मेरे अधिकार की अगर बात होगा, मेरा अधिकार दीजिएगा, तो निश्चित तौर पर हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। अगर जब तक मछुआरा को बेटा को, मल्ला को बेटा को अधिकार नहीं दीजिएगा, हम चट्टानी एकता के ताकत के साथ खड़ा रहेंगे। जैसे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक भाजपा को छोड़ेंगे नहीं, उसी तरीके से मल्ला का बेटा आपसे वादा करता हूं कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़े। आप बताइए, लोकतंत्र है, आपने हमें वाई प्लस सुरक्षा दिया, किस आधार पे दिया? हमारे जान माल का खतरा था, आपने दिया,
आप अगर अगर मुझे अगर हटाना भी है तो वाई प्लस से आप वाई करते, उसके बाद अगर उसके नीचे भी आप कैटेगरी पे आते, आप एक ही झटके में आपने हटा दिया। तो खैर मुझे कोई परवाह नहीं है, हम लोग गरीब घर में जन्म लिए, हम कोई वाई प्लस लेके तो पैदा हुए नहीं थे, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, 900 रुपया महीने पे मजदूरी करने वाले लोग हैं और हम यहाँ पे आए अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उनको भाजपा को कल जिस रोज मजबूरी था, जरूरी था, उस रोज लगा कि मुकेश सहनी को साथ लेना, उस रोज वाई प्लस दिए, आज वो खत्म कर लिया, मुझे कोई एतराज नहीं है। यही तो हम नहीं चाहते है ना कि रेबरी के तरह वाई प्लस ये वो सब बांटा जाए। अगर आपने प्रक्रिया से दिया तो प्रक्रिया से हटाना चाहिए, या आप बगैर प्रक्रिया से दिए, यही हम चाहते हैं कि संविधान जिंदा रहे, संविधान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, कोई सरकार आए आए सरकार आएंगे जाएंगे, ये देश हमारा रहेगा, हमेशा रहेगा, इस देश के लोग हमेशा रहेंगे, इसमें भाईचारा कायम रहना चाहिए, गरीब पिछड़ा के अधिकार की बात होना चाहिए। आज भी हमारे लोग के रहने के लिए घर नहीं है, तकलीफ होता, आज भी हमारे लोग इलाज नहीं करा पाता, अपने बच्चे को दम तोड़ देता उसका बच्चा, हम उसको कुछ नहीं कर पाते क्योंकि ना हमारे पास पैसा है ना हमारे पास पावर है। तो हम उस पावर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे लोग मजबूत होगा, उसको नौकरी मिलेगा, चीजें होगा। आप क्या चाहते हैं, लोगों को गुलाम बनाना, 5 किलो चावल देकर आप चाहते हैं कि देश के लोगों को हम गुलाम बनाकर रखें, 5 किलो चावल से क्या होने वाला, और वही चावल किसी का घर का है, ये भारत सरकार का, देश का हर एक नागरिक का उस पर अधिकार है, लेकिन आप लोग अलग तरीके से कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं। हम तो प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के 140 करोड़ जनता जो है उसका आप माए बाप है, आप उनके बारे में सोचिए, गरीब युवा के बारे में सोचिए, जो आपने 2014 में वादा किया वो सोचिए। मैं तो कहना चाहता हूँ कि 2014 में जो आपने भाषण दिया वही भाषण दीजिए, अभी जनता के तरफ से पता चलेगा कि आपने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान बना के दिया, उसमें नेता के लिए सिर्फ 5 साल का समय दिया, सरकारी नौकरी पे जाइएगा तो 58 साल 60 साल तक में आपका रिटायरमेंट होगा, लेकिन नेता के लिए 5 साल सोच समझ के दिया, इसलिए क्योंकि नेता है ना मालिक नहीं है, जनता मालिक है। अगर नेता अगर 400 BC करेगा, झूठ बोलेगा, गलत करेगा, तो जनता के पास अधिकार होगा कि 5 साल उसको बदलने का। तो वही हम चाहते हैं कि जनता पूरा अपने दिल पे हाथ देकर सोचे कि ये प्रेजेंट का जो सरकार है वो अगर जनता के हित में काम किया होगा, गरीब किसान के लिए काम हुआ रहेगा, मजदूर के लिए काम हुआ रहेगा, तो निश्चित तौर पे मोदी जी के बारे में सोचना चाहिए, वरना मोदी जी के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज 75 साल के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए और आज भी देश में युवा से मौका मांग रहे हैं कि हमको मौका दीजिए, देश का सेवा करना चाहते हैं, और वही जगह अग्निवीर योजना लाते हैं जिसमें 4 साल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को रिटायरमेंट देना चाहते हैं। तो ये देश ऐसा नहीं चलेगा, देश पहले हमारे पूर्वज ने बहुत मेहनत करके बलिदान देके अंग्रेज से 200 साल लड़ाई लड़ा, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद हम सर उठा के जी रहे, आज संविधान ही जो है दिया उसी के दम पे आज मुकेश सहनी सीना तान करके आपके सामने अपनी बात रख रहा है। अगर संविधान अगर हमको नहीं मिलता तो हमको लोग नीचे में बैठने का इजाजत नहीं देता। आज लालू जी के विचारधारा पे हम लोग चलने वाले, जमीन पर से उठकर कुर्सी पे बैठने का ताकत रखते, हमारा संविधान हमारा जिंदाबाद रहेगा और हमेशा जिंदाबाद रहेंगे। उसके लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ने, जिनको बुरा लगे उसने अभी उन्होंने तो सुरक्षा ले लिया, उनका मर्जी है, वो देश में कुछ भी करा सकते हैं, बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, बनी हुई विधायक को खरीद लेते हैं, मुख्यमंत्री को जेल डाल देते हैं, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा पास हौसला है, लाखों निषाद यूपी बिहार झारखंड में एक एक मल्ला के बेटा ने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया था कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हमने भी संकल्प लिया है और मजबूती से हम गंगा माता का सौगंध खाते हैं कि मजबूती से जब तक हम लोग जो एजेंडा पे जो अपने अधिकार के लिए लड़ाई सिद्ध नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। मोदी जी के पास बहुत ताकत है, कल फांसी दे दे मुझे कोई फर्क नहीं है, कल वो मरवा दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, सुरक्षा लिया कोई फर्क नहीं। हम लोग तो मछुआरा समाज का आते हैं, रात को 2 बजे रात को जहाँ लोग नहीं पहुँचता वहाँ पे हमारे बाप दादा मछली मारने के लिए जाते, ना हमें भूत प्रेत धके से किसी से डरने लगता, अभी भी चहसान से हम पूरे बिहार में घूमेंगे और मजबूती से अपने लोगों के लिए हक अधिकार के लिए काम करेंगे। मुकेश सहनी जी आपने जो बयान दिया था उसको लेकर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि महागठबंधन में गए हैं और RJD का बोल रहे हैं। हम महागठबंधन निश्चित गए और लालू जी के विचारधारा के साथ चल रहे हैं, लालू प्रसाद वही है जो रोड पे से उठा के लोगों को कुर्सी पे बैठाने का काम किया है। डर है? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, उनका मर्जी है, वही तो हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, एक प्रक्रिया से सारे चीज होता, लेकिन इन लोगों ने देश को कब्जा कर लिया, सारे चीज को अपने अंदर में रख लिया, तो मुझे कोई फर्क नहीं, अभी उनकी समय है, वो जैसा चाहे वैसा देश में चलाए, मुझे कोई एतराज नहीं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई टेंशन में नहीं हूँ, आपको लगता है टेंशन में हूँ? हाँ, मैंने खेद प्रकट किया कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री का एक गरिमा है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और हम चाहते नहीं कि उस पर ज़्यादा विवाद हो, अगर हमारे बयान से अगर किसी को आहत हुआ हो तो मैं खेद प्रकट करता हूँ, लेकिन मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। हमने कहा भाई आप ताली बजा रहे थे क्या,
हाथ में मेहंदी लगा था क्या? आप भी तो मंडल कमीशन का 40 सिफारिश आप लागू कर सकते थे। आपके पास भी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी आपको उसको मौका मिला था 7 साल, अभी भी 10 साल मौका मिला, 17 साल आपका मौका मिल गया, क्यों नहीं आप लागू किए? और आज आप कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस अगर अच्छा करता तो आज भी सत्ता में रहता, कांग्रेस अच्छा नहीं किया इसलिए सत्ता से बाहर है। अभी आपकी जवाबदेही है कि भाई वो जवाबदेही कैसे पूरा करना, देश के लोगों को काम करना, लेकिन नहीं आप करेंगे, लोगों को गुलाम बनाना चाहता है। सन ऑफ मल्ला कभी आप लोगों का गुलाम नहीं बनेगा, संघर्ष करेगा, लड़ाई लड़ेगा, मर जाएंगे लेकिन आपका गुलाम नहीं बनेंगे।